तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुलप्रीत सिंह और अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इंद्र कुमार की इस कॉमेडी फिल्म में लाइफ आफ्टर डेथ को बड़े मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया था। ट्रेलर रिलीज के साथ साफ हो गया कि थैंक गॉड इस दिवाली सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में आप यमराज और चित्रगुप्त को नए लुक में देखेंगे। 3 मिनट 6 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है अयान कपूर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्सीडेंट से। अगले सीन में वो खुद को यमलोक में पाते हैं जहां उनके सामने है पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले भगवान चित्रगुप्त यानी अजय देवगन। मॉडर्न चित्रगुप्त अयान कपूर के साथ खेलते हैं एक गेम जिसको वो कहते हैं गेम ऑफ लाइफ। ट्रेलर काफी दिलचस्प है, हाल फिलहाल रिलीज होने वाली फिल्मों के प्लॉट से बेहद अलग। थैंक गॉड में रकुलप्रीत सिंह एक पुलिस वाली का किरदार निभा रही हैं जो कि सिद्धार्थ की पत्नी है और वो उनसे जलते भी हैं। नोरा फतेही भी हैं फिल्म में, काफी ग्लैमरस किरदार में नजर आ रही हैं। थैंक गॉड इस दिवाली 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। इसके पहले पोस्टर रिलीज के साथ ही फिल्म का क्लैश अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु से होना तय हो गया। अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर अभी तो कोई अपडेट सामने नहीं आई है, हालांकि पहले से कहा जा रहा है कि राम सेतु को दिवाली पर ही रिलीज किया जाएगा। इस साल अजय देवगन रनवे 34 जैसी फ्लॉप फिल्म दे चुके हैं तो वही अक्षय कुमार तो फ्लॉप की हैट्रिक ही मार चुके हैं। अगर ये क्लैश हुआ तो नुकसान दोनों ही फिल्मों को होगा। अब आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।